नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश और मेरे यूट्यूब चैनल अखिल माइंड डेवलपर में आप लोगों का स्वागत है। और मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को एक कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा, तो आज मेरा कोल हैंडलिंग प्लांट का ये पहला वीडियो है, तो आज मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कोल हैंडलिंग प्लांट के बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूँ। इसके बाद मेरा अगला वीडियो जो होगा, बेस को ऑपरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं अगला वीडियो आपको दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कोल हैंडलिंग प्लांट का फ्लो डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने सिस्टम पर उसके बारे में बताऊँगा। तो ये रहा अपना, यहाँ से अपना प्लांट के स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले मेरा ये जो अपने रैक आते हैं, मतलब बैगन आते हैं, तो ये कोल जिसमें आती है तो वहाँ पे सबसे पहले अपना ये बैगन टिपलर में जाती है जो आप देख रहे होंगे। तो मैं इसके बारे में भी आपको मैं आगे वीडियो में पूरा नॉलेज देता हूँ, बस पहले मैं आपको ये फ्लो डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है फ्लो डायग्राम अपना, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है फ्लो डायग्राम। बाकी मैं आपको अभी पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। ये रहा, को ले चलता हूँ अपने सिस्टम पर, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा अपना सिस्टम, में ये हो गया WT मतलब होता है वैगन टिपलर हुआ है ना, और यहाँ पे दो वैगन टिपलर लगे हुए हैं। बाकी उसके जस्ट नीचे हॉपर लगा होता है, ये वैगन से हॉपर में मतलब माल को टिपलिंग किया जाता है। उसके बाद अपना ये नीचे एपरेंट फीडर, ड्रिबल फीडर लगे होते हैं। उसके बाद अपना ये BCN मतलब बेल्ट कन्वेयर बने वन भी लगे होते हैं। बाकी ये अपना फ्लैप गेट है, ये आप चीज़ जो देख पा रहे हैं, फ्लैप गेट का काम होता है, जैसे आपको उसके नीचे 2A बेल्ट लगे हुए हैं, उसके मतलब 2A में फीडिंग देना है, 2B में, उसके लिए आपको ये फ्लैप गेट दिए रहते हैं कि आपको किस पे फीडिंग देना है, उसके हिसाब से आप इसको फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। उसके लिए आगे अपना ये ट्रैक हॉपर हो गया, ट्रैक हॉपर का काम होता है जैसे वैगन्स को मैन्युअली खाली करने के लिए। बाकी ये अपना हो गया पैडल फीडर अपने यहाँ चार लगे हुए हैं, और पैडल फीडर हो गया। उसके बाद आप ये SM देख पा रहे होंगे, सस्पेंडेड मैग्नेट का काम होता है, जैसे कोयले में लोहा आया उसको आगे जाने से रोकने के लिए लगा होता है। ये अपना ILMS इनलाइन मैग्नेटिक सेपरेटर का काम होता है, जैसे उसके यहाँ से अगर कोई बच के भी चला जाता है तो यहाँ पे अपना यहाँ इस पर अपना मैग्नेट तो होता है, उसके ऊपर से जस्ट एक बेल्ट घूमता रहता है, जैसे इधर से कोयला वो लोहे आए तो जस्ट उसको खींच करके सीधे बेल्ट नीचे फेंक देता है। और अपना ये हो गया स्टील सर्ज हापर का, जैसे यहाँ पे कोयला इकट्ठा हुआ। उसके बाद अपना ये वाइब्रो फीडर अपने चार लगे हुए, वाइब्रो फीडर का काम होता है अपना फीडिंग करना, ये रोटी ब्रेकर में फीड करता है कोयले को। ये रोटी ब्रेकर का काम होता है दोस्तों, जैसे अपना रोटी ब्रेकर है यहाँ पे 80 से 100 mm तक उसका साइजिंग किया जाता है कोयले का। उसके नीचे जैसे 80 से 100 mm तक जो रहेगा उसको आगे निकल जाएगा। उसके बाद जो पत्थर उत्थर बचते हैं अपना RJC कन्वेयर से, रिजेक्ट कन्वेयर से, मतलब ये रिजेक्ट हॉपर में चले जाते हैं। अपना बेल्ट फीडर 1, बेल्ट फीडर 2 लगे हुए हैं, बाकी ये बेल्ट कन्वेयर तो सेम ही है। ये हो गया, बाकी अपना फिर यहाँ से कोयला आगे आया, फिर स्टील सर्ज हॉपर में अपना ये यहाँ पे VGF वाइब्रो ग्रिजली फीडर से कोयला जो मतलब 20 mm तक उसका साइजिंग यहाँ पे क्रशर हाउस में किया जाता है। क्रशर हाउस जो होता है यहाँ पे ये CR क्रशर 1, चार क्रशर लगे हुए हैं, चार वाइब्रो ग्रिजली फीडर लगे हुए हैं, यहाँ पे उसका साइजिंग 20 mm तक होता है। 20 mm के बाद से जो आता है उसको आपको या तो स्टैंकिंग करना है या तो फिर सीधे बंकरिंग करना है, उसके हिसाब से आपको ये अपना दिया है RBF रिवर्सिबल बेल्ट फीडर का काम होता है कि आपको उसको स्टैकिंग करना है या डायरेक्ट बंकर भेजना है कोयले को। अगर आपको स्टैकिंग करना है तो आप सीधे इसको फॉरवर्ड चला के बेल्ट फीडर 7 पे गिरा के सीधे इसको इधर स्टैकिंग कर सकते हैं। अपना यहाँ पे स्टैकर लगा हुआ है, स्टैकर हो गया। बाकी आप अगर इसको डायरेक्ट बंकर भेजना है तो आपको इसको रिवर्स में बेल्ट को चलाना होगा। रिवर्स में बेल्ट चलाएं आप इधर इधर जाए सेम, तो बाकी बेल्ट तो सेम ही है। अपना फ्लैप गेट हो गया,
लाइफ गेट से आके अपना 6A6 भी हो गया, RBF 3A3 भी हो गया, रिवर्सिबल बेल्ट फीडर बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हो गया ये अपना सीधे, बाकी इधर तो सब सेम ही है, ये अपना सेम बेल्ट है। ये हो गया अपना 11A, ये अपना यूनिट 1 का बंकर, इसको बोलते हैं बंकर, इसको बोलते हैं जैसे बंकरिंग आप बोले, हमें अपनी आप अभी मैंने बोला आपको कि बंकरिंग करना है, तो ये बंकरिंग का करने का मतलब हो कि आपको बंकर में कोयला फीड करना है। यहाँ पे अपने 9 बंकर लगे हैं, एक यूनिट में 9 बंकर, बाकी अपना हमारे यहाँ 2 यूनिट है 600 मेगावाट का, 2 यूनिट अपना मतलब 18 ये बंकर हो गए। आगे यहाँ पे ये भी फ्लैप गेट है, सेम ही है, बाकी यहाँ इधर तो सब बाकी सब सेम ही है। ये रहा अपना, इतने को पूरे को हम अपना प्राइमरी क्रशर हाउस बोलते हैं, इसको हम, ये जो आप पूरा देख पा रहे हैं इसको हम सेकेंडरी क्रशर हाउस बोलते हैं। और अपना ERS करके देख रहे होंगे, इमरजेंसी रिक्लेमिंग हापर, ये इमरजेंसी के लिए, जैसे आपने अभी स्टैकर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया अपना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यार्ड से उठा करके कोयले को JCB के माध्यम से उठा करके आप यहाँ पे हापर में डाल देंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट बंकर कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपना ये BW1, ये होता है बेल्ट वेयर का काम है, जैसे आप कोयला तो फीड करते हैं लेकिन इसकी कुछ कैपेसिटी होती है बेल्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा आप बेल्ट को फीडिंग नहीं दे सकते, उसके लिए यहाँ पे BW लगा होता है, बेल्ट वेयर बोलते हैं इसको। बेल्ट वेयर का काम होता है जैसे आप यहाँ पे कितना फीडिंग दे रहे हैं कोयले पर, कितना टन पर आवर कोयला दे रहे हैं बेल्ट पर, यहाँ पे उसका TPS शो करता है। ये दोस्तों यहाँ पे आपका ये TPS शो करता है, 4A4B पर दिखा रहा है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे लगा है MD। सोच रहे होंगे MD क्या, मेटल डिटेक्टर, मतलब कोयले में मेटल्स जो आते हैं उसको अलग करने के लिए यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था। अपना जितना भी आप देख पा रहे हैं ये गोल गोल, अभी तो ये येलो दिख रहा है, बाकी ये हेल्दी नहीं इसलिए भी येलो दिख रहा है, बाकी इसको ओपन किए यहाँ पे अपना मोटर लगा होता है, इसमें सब में MM लिखा हुआ है, जितना भी आप देख रहे हैं सब में MM लिखा हुआ है, ये अपना मोटर होता है। यहाँ से आपको बेल्ट को स्टार्ट करना होता है, स्टॉप करना होता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, बाकी अपना ये RBF देख सकते हैं आप, RBF रिवर्सिबल बेल्ट फीडर, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि आप उसको दोनों डायरेक्शन में चला सकते हैं, फॉरवर्ड में चलाना है या रिवर्स में चलाना है, स्टार्ट तो नहीं करना होता, बाकी जिधर आपको चलाना होता है उस पर आप क्लिक करेंगे, बाकी स्टॉप तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ये देख पा रहे हैं RYC रिक्लेमिंग यार्ड कन्वेयर, इसको रिक्लेमिंग यार्ड कन्वेयर बोलते हैं। रिक्लेमिंग यार्ड कन्वेयर का काम है कि आपको इस बेल्ट को आपको रिवर्स या फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चला सकते हैं, अगर आप फॉरवर्ड में चलाते हैं तो आप बंकरिंग करेंगे, बाकी आप रिवर्स में चलाएंगे तो आप इसको स्टैकिंग करेंगे। ये अपना है स्टैकर रिक्लेमर, इसका स्टैकर रिक्लेमर लगा हुआ है इसका वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो मेरा अगला वीडियो जो आएगा मैं उसमें पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि सिस्टम को अपडेट कैसे करना है। और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो आपको ज़रूर मिले। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि अगला वीडियो आप किस तरह का चाहते हैं, मैं उस पर पूरा एफर्ट करूँगा कि उस तरह का वीडियो मैं आपको दे सकूँ।